बक्सर जिले में कृषि विभाग द्वारा रबी महाअभियान की शुरुआत की, जिसमें रबी फसल को लेकर के कई नुक्शे बताए गए, कई पदाधिकारी शामिल रहे और खास करके इस मौके पर मौजूद जिलाधिकारी अमन समीर ने किसानों को कई टिप्स दिए। साथ ही साथ पदाधिकारियों को भी कहा कि आप किसानों से वार्ता करें और किसानों की जो उपलब्धियाँ हैं या किसान बहुत सारे जो कारगर काम करते हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होता उसको भी आप अपने स्तर पर जुटाई इकट्ठा करो, एक मैगजीन निकालें। हम लोगों का ये है कि जो भी वहाँ जाए, किसान के पास जाए, तो किसान से जब बात करते हैं तो उनसे उनकी भी राय हो कि उनका जो इनकम वो बढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या प्रयोग कर रहे हों, उस प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं उसको जाने, तो उसको लेके हम लोग एक मैगजीन भी हम लोग एक यहाँ से इशू करेंगे जो हर एक 3 महीना पे निकलेगी। उससे जो है ज़िला में कृषि से संबंधित जो जानकारी है उससे सभी किसानों तक पहुँचेगा, उसकी चर्चा होगी। तो किसी चीज़ को आपको बताना हो तो जब तक आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, जब तक उसको बताएंगे नहीं या कहीं लिखित नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोपेगेट नहीं होता है। तो हम लोग का आइडिया वही है कि जो भी ज़िले में जो भी अच्छे किसान हैं, जो उत्कृष्ट खेती कर रहे हैं, उनको हम लोग डॉक्यूमेंट करके लोगों तक पहुँचाएँ। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसान जैविक खेती करेंगे तो उससे ज़्यादा उन्हें लाभ होगा और ऐसे कई बंजर जमीन है जहाँ जो उपयोगी नहीं है, वैसे जगहों पर कुछ खास किस्म के फसल उगाया जाए। मतलब कुल मिलाकर जिलाधिकारी का इस बात पर फोकस रहा कि जो किसानी और खेती है वो आर्थिक रूप से मजबूत बने, इसको लेकर फोकस किया। उनका कहना था कि जो किसानी हो रोजगार पर रखो, इसके लिए कृषि विभाग लगातार किसानों के संपर्क में रहे, किसानों से वार्ता करे, उन्हें मदद करे। जैविक खेती में विभिन्न सर्टिफिकेशन होता है उसमें, तो वर्तमान में जो है वो जो भी हम लोगों का खेती हम लोग कर रहे हैं, जो लगभग 1800 एकड़ में हम लोग कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न स्तर पर जैसे C1 होता है, C2 होता है, C3 स्तर का सर्टिफिकेशन होता है, तो उसी स्तर से हम लोग जांच कर रहे हैं। फिर जब पूर्ण हो जाता है तब पूर्ण हम रूप से मानते हैं कि जैविक खेती किया गया है। आइडिया यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जैविक खेती को अपनाएं, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा सॉइल का जो बायोमास है उसको हम लोग कंजर्व करने में स्थिति में रहते हैं और उसका जो उर्वरक क्षमता है वो बरकरार रहता है। सलाहकारों को नसीहत दी कि आपका काम सिर्फ सरकार के योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि किसानों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, वो आप सरकार तक भी पहुंचाएं, ताकि एक सम्मेलन बन सके और किसानों के साथ मिलकर के हम लोग बेहतर फसल उगा सके, आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत किया जा सके। क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और ये जो एरिया है, खास करके बक्सर के आसपास का जो एरिया है, शाहबाद का एरिया है, इधर ज़्यादातर किसान जो है वो अपने खेती पर ही निर्भर रहते हैं। अलग अलग जो किसान हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा किए होंगे, चल कुछ होंगे जो धान की खेती बहुत अच्छा करते हैं, कुछ जो है वो गेहूं की खेती बहुत अच्छा करते हैं, कुछ जो होंगे कि हॉर्टिकल्चर की खेती बहुत अच्छा करते हैं, या कुछ जो है वो पशुपालन बहुत अच्छा करते हैं, कुछ जो फिशरी बहुत अच्छा करते हैं। तो हम लोगों को है वो उस तरह के लोगों को हम लोगों को प्रमोट करना है और यही रोल आता है किसान सलाहकार का। आपका काम सिर्फ सरकार की योजनाओं को उनको बताना ही नहीं है, आप वन वे काम करते हैं, आपको जो है वो टू वे काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हों, चाहे कृषि समन्वयक हों, किसान सलाहकार हों, आपको जो है वो जैसे आपको बताया जाएगा कि कृषि चौपाल है, आप जो है सरकार की बातें जो है वो कह के आ जाते हैं, जबकि इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी किसान सलाहकार है, कुछ लोग उसमें खेती भी करते होंगे, लेकिन आप जो किसान हैं उनसे जानकार आप नहीं होंगे। जो किसान काम करते हैं वो आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं और प्रशासन के रूप में, जिला कृषि पदाधिकारी के रूप में, ये हम लोगों का दायित्व तो है कि उनके जो अच्छे जो उन्होंने उपयोग किए हैं, जिससे क्या है कि पूरे बक्सर को सहायता मिल सकती है या पूरे जो है बिहार को सहायता मिल सकती है, उन सारी चीज़ों को आपको जो है लेके आना है। उसमें हम जो है कृषि का मैगजीन है तो हम कृषि की बात करेंगे, उसमें जैसे मान लीजिए कि चैप्टर अलग अलग करके होगा कि जैसे मान लीजिए धान की ही खेती के संबंध में बात कर रहे हैं तो धान की खेती में कुछ अच्छे किसान कैसे किए, उस मैगजीन में जो है वो किसान सेंट्रिक होगा, वो ना तो अधिकारी सेंट्रिक होगा, ना ही वो कृषि पदाधिकारी के या कृषि समन्वयक सेंट्रिक होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसान को दर्शाया जाएगा, किसान रहेंगे, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और हमको लगता है कि पहला जो मैगजीन होगा हम लोग 1-2 महीने में हम लोग रिलीज कर देंगे, इस महीने के लास्ट में बता रहे हैं उसको हम लोग करेंगे, और उसके माध्यम से हम लोग जो है वो किसान के जो फोटो हैं, उनके जो किस तरह से खेती कर रहे हैं, किस तरह से उनका उत्पादन बढ़ाए हैं, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, उस चीज़ को हम लोगों को जानने का प्रयास करेंगे।